अभी तो सिर्फ खेलने कूदने के दिन थे उन बच्चों के, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए उनके। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और न जाने कितने ही देश, इसलिए ये डेगा टीम, डेगा टीम, डेगा टीम, डेगा टीम, कोई भी हो, कितना भी बलवान क्यों ना हो, चाहे उस जगह पर मैं ही क्यों ना हूँ, डेगा टीम का मतलब है नो FIR, सीधा एनकाउंटर। घर से कांप रहे लोगों को इन तारों को देखकर हौसला मिलना चाहिए। जिन पर लोगों को भरोसा है वही तारे हैं पुलिस वाले। इन सितारों पर हमें गर्व है, क्यों? Yes, sir. Thank you. अलेक्जेंडर कहाँ है? सर, मैं अलेक्जेंडर को डेगा टीम का चीफ अपॉइंट करता हूँ। Yes, sir. इस मिशन में आपकी जान जा सकती है और घर के लोग अनाथ भी हो सकते हैं। आर यू रेडी? Yes, sir. That's the spirit. Yes, sir. And listen, I am going to retire in the next 6 months, that is 180 days. And my wish is to end this nonsense and this bloodshed. मेरे 30 सालों की सर्विस एक तरफ और ऑपरेशन डे का एक तरफ। And before I retire, I want to go with satisfaction. And I expect you, the Dega team, to give me that gift. Are you ready? Yes, sir. Thank you. सर, मैंने कोई भी गलती नहीं की, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। सर, सर मैं आपको कैसे बताऊं, वो जो सस्पेक्ट था ना, उसने अभी अभी सुसाइड कर लिया। सॉरी सर। सर 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 सब कुछ बताता हूँ। मैंने सारा RDX विजयनदी के पास रखा है ताकि मैं मार्केट में बम लगा सकूं। मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया ना। मैंने कमिश्नर साहब से कह दिया है कि तुमने सुसाइड कर लिया, अब तुम्हें मरना ही होगा। उसे मारना जरूरी था क्या? अभी तो ड्यूटी शुरू की है सर, कुछ दिन तो असली काम कर लेने दीजिए, इसके बाद आपकी तरह फाइल उठाकर घूमनी है। बदमाश कहेगा। कैसे हो राहुल? हाय डैड। देखो, कुछ सीखो इससे, कमिश्नर का बेटा कैसा होना चाहिए इससे सीखो। लुक एट योरसेल्फ, बार दारू, फ्रेंड्स के साथ टाइम वेस्टिंग, दैट्स नॉट लाइफ। बिकम समथिंग, बी अ प्राइड टू द फैमिली, टू द नेशन, डोंट बी अ पैरासाइट। यहाँ क्यों आए हो? पैसे चाहिए? XML लोगों को लड़ाने वाला, रॉयल सीमा के कई मर्डर केसेस में इसका नाम है सर। ऑर्डर सर। क्या करना है पता है ना? ये दोबारा दिखने नहीं चाहिए। सर। हाय ब्रो, क्या हाल है? ठीक तो हो ना? चल निकल यहां से। कूल ब्रो, टेक केयर। मुझे इससे नफरत है, देखा कैसे घूर रहा था, मन करता उसे जान से मार दूं। अरे वो पिए हुए हैं मैडम, आप भी कहां उसे लेकर बैठ गए। बास्टर्ड। अरे इतनी गर्म क्यों हो रही हो बेबी? कमिश्नर साहब का इकलौता लड़का है वो, मेरे छोटे भाई जैसा है, सिर्फ रास्ता भटक गया, ठीक हो जाएगा। उसे समझा बुझाकर सही रास्ते पे ले आऊंगा, हर वक्त सिर्फ मारपीट ही करना करेक्ट नहीं है। चलते हैं, और कमिश्नर साहब से इस बारे में कुछ नहीं कहना, उनका दिल टूट जाएगा। लेफ्ट लेना बाद में, अभी राइट, बस इतना ही ना। नॉट नाउ एलेक्स। Keep quiet. निकालो ना। What? Shh. Not
हूँ। क्या कर रहे हो? Behave yourself. बम है? नहीं सर। कैसे हो बेटा, खेल रहे थे? आओ इंस्पेक्टर, किस लिए आए हो? भाभी आप बच्चों को जरा अंदर ले जाइए प्लीज, अब बताता हूँ तुम्हें। अरे क्या 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 चाहिए तुमको है? क्यों फेंक रहे हो सब? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। अब मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि शहर में जो धमाका हुआ उसके लिए माल तुमने कहाँ से? बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ आपको। अलेक्जेंडर, आईपीएस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस। नहीं नहीं, तुम्हें तो चूड़ी। इसे पता नहीं है कि इसने किससे पंगा ले लिया है। पॉलिटिशियन से पंगा नहीं लेने का। एम्बुलेंस को फोन करूं मैडम? नंगा करके मारूंगा, समझा बे चूरन। तुम जैसे कमीने लोगों से लोगों को बचाने के लिए हम हैं इंडियन प्रोटेक्शन सर्विस। कौन है वो? मुख्तार, मुख्तार। कहाँ रहता है वो? मुंबई में, 9848456780। जल्दी आइए सर। इतना अर्जेंट क्यों बुलाया हमें? ऐसा क्या हुआ सर? यहाँ पर भूचाल आ गया है, आइए चलो चलो। गुड मॉर्निंग सर। मम्मी पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? देखा आपने, दोनों चोर हैं। इसका नाम है अलेक्जेंडर, मेरा बड़ा बेटा समझ लीजिए। मुझे अपने बेटे पर जितना विश्वास नहीं है उससे ज्यादा अलेक्जेंडर पर विश्वास है। इसलिए आंखें बंद करके आप अपनी बेटी की शादी इससे कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। सर हमें आप पर भरोसा है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। सर डेगा देखो, पुलिस की नौकरी में सुख और दुख कब आते जाते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है, हमेशा तैयार रहना पड़ता है। अगर तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम है तो शादी कैंसिल कर दो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं सर। आ गए लाइन पर। पहले तुम दोनों उनके पैर छूइए, बाद में हमारे पैर छू लेना। नो 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 नो। पुलिस जब तक अपनी यूनिफॉर्म में है सिर्फ भगवान के सामने सर झुका सकता है। गॉट इट? यस सर। विल टेक अ सेल्फी। सीताराम एलेक्स, वी आर गेटिंग मैरिड। ओह माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। एक ही घर में हम दोनों, एक ही कबर्ड में दो यूनिफॉर्म्स, एक ही ड्रॉअर में दो दो गन्स, और एक ही बेड में हम दोनों। I'm so happy. मेरे पापा एक चोर थे। What? मैं एक बहुत ही बड़े चोरों के खानदान में पैदा हुआ। मेरे पापा पैसों के लिए चोरी के अलावा कत्ल करने का काम भी करते थे। हर वक्त मुझे भी साथ ले जाया करते थे।
उस वक्त हमारे कमिश्नर साहब एसपी हुआ करते थे। एक बार मेरे पापा ने एक परिवार को लूटा और उसे मारकर जब भाग रहे थे तो एसपी साहब ने उन्हें मार दिया, लेकिन मुझ जैसे अनाथ को पाला पोसा, हॉस्टल में मेरी पढ़ाई करवाई, मुझे पुलिस में भर्ती करवाया। लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि मुझे कमिश्नर साहब से बदला लेना है या फिर वो ही करना है जो मेरे पापा किया करते थे, यानी लोगों को लूटना मारना। इस बात को लेकर मैं कंफ्यूज था। बड़ा होकर समझा कि कमिश्नर साहब ही सही हैं। मैंने बहुत मेहनत की और पुलिस ऑफिसर बना, और इसीलिए कमिश्नर साहब मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे सब कुछ हैं। और आजकल उनकी नजर बम ब्लास्ट करने वालों पर है, लेकिन वो जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं। मैं कैसे भी इस केस को क्रैक करके उनको रिटायरमेंट गिफ्ट देना चाहता हूँ, और इसमें मेरी जान भी जा सकती है। Shut up. पहले मेरी बात तो सुनो जान। अगर मैं मर गया तो मेरी तरफ से तुम इस केस को सॉल्व करोगी, करोगी ना? Okay. My God, you are looking so beautiful. छोड़ो। Hey, I love you. I love you too. तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ ना, तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुख्तार पुराने शहर में कोई हलचल करने वाला है, ऐसा इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आया। राउंड हिम अप, बट बी केयरफुल, उसे जिंदा पकड़ना होगा। ओके? उसके सारे पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स का पता करना होगा। हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिलने के बाद डोंट वेस्ट टाइम, जस्ट शूट हिम। वो देखो मुख्तार भाई। एंगेजमेंट है ना बेबी, तो ऐसा होता है। आ रहा हूँ, ठीक है? Come fast, I can't wait. भाग जा कमीना। ये लीजिए। ये क्या लेके आए हो? ये खानदानी कपड़े हैं ना, आज आपकी मंगनी है तो यही पहनना होगा आपको। एक पुलिस वाला ऐसे कपड़े पहनेगा तो कैसा लगेगा? मैं यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ, एकदम पावरफुल लगूंगा। अरे आप मरवा देंगे, ये हमारी परंपरा है, इसे एक बार पहन कर तो देखिए मस्त लगेगा आप पर। जल्दी चलिए, सब इंतजार कर रहे हैं। और कोई चारा नहीं है? नहीं है सर। हे ब्रो, क्या हुआ यहाँ कैसे? ब्रो, छोटी सी प्रॉब्लम है, पर्सनली बात करनी है ब्रो। सर मैं बाहर इंतजार करता हूँ। कम ये क्यों आया है यहाँ? ये हार रखे, वो नेकलेस का है। हाँ बस अभी दिया, उसे ट्राई किया या नहीं? ये आप जी। यूनिफॉर्म पहन के कहाँ जा रहे हैं सर? आधे घंटे में आ जाऊंगा ना। लेकिन वहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं, फोन आ रहे हैं सबके। उनसे कह देना मैं निकल गया हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगा। सर, तू सर सर सीताराम। नहीं सीताराम, मैं कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? सर सर सर, अरे मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है यहाँ। निकल रहे हैं सर, जल्दी पहुँचो तुम लोग। बस निकल गए सर, ऑन द वे है। वो लोग निकल गए, आ ही रहे हैं। जी अच्छा,